हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 2.6 के प्रश्न क्रमांक 1 को। ये प्रश्न है बच्चों, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं, हमें एक रैखिक समीकरण दिया है जो है 8x-3 / 3x = 2। तो यहाँ पर इसे हमें हल करना है। हल करने का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पर हमें इसका एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो इसे हल करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो 3x बटे में दिया है इसे हम बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये बटे वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाके गुणा में बदल जाएगी, ये 2 के गुणा में आ जाएगी। तो इसे हल करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 8x-3 बराबर ये 3x इधर जाके गुणा में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 3x। अब बच्चों यहाँ 8x-3 ऐसा के ऐसे ही लिख लेते हैं और 2 का 3 में गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2×3 = 6x। अब एक्स एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, बिना एक्स वाली संख्या को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो ये 6x को इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ धन का है, इधर आके ऋण का हो जाएगा, और ये ऋण के 3 इधर हैं तो ये दूसरी तरफ जाके ये धन के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x और ये इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे ऋण के 6x और बराबर में ये ऋण के 3 इधर जाएंगे तो ये धन के 3। अब 8x में से 6x जाएंगे तो बचेंगे हमारे 2x और बराबर में ये 3। अब बच्चों ये 2 जो है वो x के गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये भाग के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे x बराबर 3/2। और इसी के साथ ये हमारा x का मान आ जाता है, मीन्स ये हमारा उत्तर हो गया x बराबर 3/2। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 पूर्ण होता है। आई थिंक ये आपको अच्छे से प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।